हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है। सपोज करिए मैं एक नंबर लेता हूँ 90। हमें फाइंड करना है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। 2 से डिवाइड करा हमने इसको, 45 आया। फिर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आया। फिर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आया। फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो हम इस 90 को लिख सकते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 इज कमिंग 2 टाइम्स, तो ये 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1। अब गाइज ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने का फार्मूला ये है। सपोज करिए कोई नंबर है आपका n, और वो नंबर को हम लिख सकते हैं a पावर p, बी पावर क्यू, सी पावर आर, जहाँ पर ए बी सी प्राइम्स हैं। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे फाइंड करेंगे, p+1, q+1, r+1, यानी इन तीनों पावर्स में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हमको नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, तो 90 के नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे फाइंड करेंगे। ये पावर कितना है 1, तो 1+1, यहाँ पे 2 है तो 2+1, और यहाँ पर 1 है तो 1+1, तो ये आ जाएगा मेरा 2 × 2+1, 3 × 2, 2 × 3 = 6, 2 = 12, ये नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि वाकई में नंबर ऑफ फैक्टर 90 के 12 होते हैं क्या। मैं लिख के बताता हूँ 90 के फैक्टर समझते हैं ना, जिन जिन की टेबल में 90 आता है वो 90 के फैक्टर हो गए। तो जैसे 1, जैसे 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 18 के बाद आएगा 30, देन 45, देन 90 इटसेल्फ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, देर आर 12 फैक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज हमको फाइंड करना 100 के कितने फैक्टर होते हैं। तो पहले 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 2 से डिवाइड करा तो 25, फिर 5 से करा तो 5, फिर 5 से करा तो 1। तो मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 2। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको पता करना है, तो पावर में प्लस 1 कर दो। यहाँ पे पावर 2 है तो प्लस 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 2+1 3, 2+1 3, 3 × 3 = 9। तो 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 9। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। इन केस कभी आपको ऐसा पूछा हो कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 100, हंड्रेड के टोटल फैक्टर तो हो गए 9, और इन केस कभी ये पूछा हो कि 100 के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इवन वाला पार्ट है, 2 वाला, 2 की पावर कुछ भी हो इसे आप हटा दो, इसे आप भूल जाएं, और ये जो ऑड नंबर है इसकी पावर को बस 1 प्लस कर दो। तो ये 2+1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गए 3। अब कोई पूछे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो टोटल फैक्टर थे 9, उसमें से ऑड फैक्टर आए 3, तो 9 में से 3 गया, तो 6 मेरे इवन फैक्टर हो गए। इज दैट क्लियर। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ 100 के फैक्टर 9 कौन कौन से होंगे। तो 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, then 100। चेक कर लेते हैं अपन 9 हो रहे हैं क्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक कोई नंबर हमने मिस कर दिया है जो कि 100 का फैक्टर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं।
वन ले लिया हमने, टू ले लिया, एक फोर नहीं लिया था हमने, तो ये हमारे हो गए सारे नंबर। अब ऑड फैक्टर थ्री है तो कौन कौन से, एक तो ये ऑड फैक्टर है, एक ये ऑड फैक्टर है और एक ये ऑड फैक्टर है, बाकी सारे मेरे इवन फैक्टर्स हैं। तो ये तीन ऑड फैक्टर है हमने चेक कर लिए, इज दैट ओके। अब हम आते हैं सम ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करना, सम ऑफ फैक्टर्स, इसका भी फंडा समझ लीजिए। सपोज करिए कोई नंबर है n, a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r। तो यदि हम इसका सम ऑफ फैक्टर्स हमको फाइंड करना हो तो उसका तरीका ये होगा, ए पावर 0 प्लस ए पावर 1 और ऐसे करते करते ए पावर पी तक जाना है, फिर बी पावर 0, बी पावर 1 और ऐसे करते करते बी पावर क्यू तक जाना है, देन सी पावर 0, सी पावर 1 कहाँ तक जाना है, सी पावर क्यू तक जाना है। तो ये देखने में आपको लेंदी लग रहा होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कोई नंबर है 100, तो 100 का हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था, है ना, ये लिखा है। अब हमको निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे तो ये 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, इसी तरह से 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2। तो ये मेरा 2 पावर 0 हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 इंटू 25 और 5 30 और 1 31 31, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 217 इज माई आंसर। यानी फैक्टर्स का जो सम होगा वो 217 होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये 100 के फैक्टर मैंने लिखे हैं, इन सबका सम करना है, तो 100 प्लस 50, 150 प्लस 25, 175 प्लस 20, 195 प्लस 10, 205 प्लस 5, 210, 204, 214 सॉरी 216, 217, ये फैक्टर्स का सम आ गया। तो इस तरह से अपन फैक्टर्स का सम भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा हम नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी कि सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जब भी निकालना हो, कैपिटल एन पावर एन बाई टू, एन तो खुद नंबर है और ये एन है नंबर ऑफ फैक्टर्स, वेयर स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑफ कैपिटल एन, एक एग्जाम्पल से मैं इस चीज को समझाता हूं। सपोज हमको ये फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90, मेरे को 90 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो 90 क्या था, बेसिकली 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, याद है ना आपको, ये 90 था। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो 90 यहां पे लिखना है बेस में, और पावर में आएगा नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे याद है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 2 3 जा 6 2 जा 12, तो इस 12 का आधा यानी कि 90 पावर 6, ये मेरा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे सॉल्व ना करें क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, इसे ऐसे ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एक और एग्जांपल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36। मान लीजिए 36 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो 36 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे ये हमको पता करना पड़ेगा। तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, चलेगा ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आप चाहें तो ऐसा करके देख लें, 2 से डिवाइड करा 18, 2 से डिवाइड करा 9, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है ना। तो 36 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2, अब नंबर ऑफ फैक्टर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 3 जा कितना 9, तो 36 का पावर 9 बाई 2,
आप चाहें तो इसको 6 स्क्वायर पावर 9 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया आंसर 6 का पावर 9। इज दैट क्लियर? तो जब भी इस तरह का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो वहाँ पर ऐसा फ्रैक्शन आएगा, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फाइंड द पेयर्स विच आर को प्राइम एंड प्रोडक्ट 90। मतलब ऐसे कितने पेयर होंगे जो को प्राइम होंगे और उनका प्रोडक्ट 90 आना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को अपन समझते हैं। जैसे 90 के फैक्टर में लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 और 90। फाइंड द पेयर्स विच आर को प्राइम एंड प्रोडक्ट 90। सपोज ये नहीं लिखा होता कि विच आर को प्राइम, बस केवल प्रोडक्ट 90, तो कितने पेयर आते? एक तो ये आता 1,90, 2,45, इनका प्रोडक्ट 90 आ रहा है, 330, 518, 615 और 910। मतलब जितने फैक्टर उसके आधे पेयर हो जाएंगे, तो वो तो कोई खास बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर वो को प्राइम होने चाहिए, ये चीज़ हमको चाहिए। तो को प्राइम के लिए 1,90 एक पेयर हो गया मेरा, ये को प्राइम है देखो आप, है ना। 2,45 बिल्कुल सही, ये भी ले सकता हूँ मैं, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 330 नहीं ले सकता, नहीं तो 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा बस, और कोई बचा है 5,18, यस। तो अल्टीमेटली कितने पेयर आ गए? 3 पेयर आए केवल, और कोई भी नहीं है। और कोई है क्या? ये भी तो है 9,10, बिल्कुल सही, यस। 330 नहीं ले सकते थे, 518 लेना पड़ा, 615 नहीं ले सकते, 910 ले लिया, तो 3 नहीं आएंगे, 1, 2, 3, 4 आएंगे पेयर जो कि को प्राइम है और जिनका प्रोडक्ट 19 है। इसी चीज को हम ये फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या, ये समझ लो, 2 की पावर n-1। जैसे 90 इक्वल टू होता है 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। तो इसके अंदर आपको n का मतलब होता है नंबर ऑफ प्राइम्स, नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं, बस वो गिनना है। तो यहाँ कितने प्राइम है? 1, 2, 3, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3-1, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि 4। आप चाहें तो इसे 2 की पावर p-1 रख दें, आपको ऐसा कंफर्टेबल लगेगा, p यानी प्राइम्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे कितने को प्राइम पेयर होते हैं जिनका प्रोडक्ट 100 होता है? तो 100 को क्या लिख सकते हो आप? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ p कितना हो गया? प्राइम्स 1 और 1, 2 प्राइम्स हो गए, तो 2 की पावर 2-1, तो 2 की पावर 1, तो यानी कि 2 ही आ रहा आंसर। 2 ही पेयर होते हैं सच में, 1,100 एक पेयर, तो ये हो गया है ना, 250 ले नहीं सकता मैं, 425 ले सकता हूँ बिल्कुल, ये भी को प्राइम पेयर है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, बस यही 2 तो आएंगे और कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, 250 ले नहीं सकता, 2 कॉमन आ जाएगा, 25 4 ले ही लिया मैंने, 100 ले ही लिया है ना, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। तो 1 और 100, एक तो ये पेयर मेरा को प्राइम है, 2 और 50 में ले नहीं सकता, ये को प्राइम नहीं है, 4 और 25 को प्राइम में ले चुका हूँ, 5 और 20 को प्राइम नहीं है, है ना, और 10 को भी 2 बार ले लें तो 10,10 प्रोडक्ट तो 100 हो जाएगा, मगर ये को प्राइम नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, है ना। फाइंड द को प्राइम पेयर्स whose product is
फैक्टोरियल 19, ऐसे कितने को प्राइम पेयर होंगे जिनका प्रोडक्ट फैक्टोरियल 19। अब उन्होंने नंबर नहीं दिया है, ऐसा दे दिया फैक्टोरियल 19। अब फैक्टोरियल 19 को सॉल्व करेंगे तो मेरा जो नंबर है वो जैसे फैक्टोरियल 19 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 2 × 3 × 4, कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा ना। अब इतना बड़ा सॉल्व तो करना पड़ना मुश्किल है, करना भी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 पावर समथिंग 2 आएंगे ये पक्का है, 4 में भी 2 आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 3 आएंगे, कितने आएंगे वैसे भी हमें मतलब नहीं है उससे, 5 आएंगे ये भी पक्का है, 7 आएंगे, 11 आएंगे, 13 आएंगे, 17 आएंगे और 19 भी आएगा, 1 आएगा बस पर आएगा। तो आप देखो कि यहाँ पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी हमें तो नंबर ऑफ प्राइम्स गिनना रहते हैं। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो पी हो गया 8, तो आंसर हो गया 2 की पावर 8 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 5 बोले तो 32 होता है, 6 बोले तो 64 होता है, 7 पे 128 आता है, तो ये मेरा 128 आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरह से अपन इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।